तो गाइज एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कंपैरिजन है उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उन लोगों के लिए भी जो इन जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आप लोगों का होगा कि फाइनली चूज क्या करें आरबीआई असिस्टेंट के लिए जाएं या एसबीआई पीओ के लिए जाएं सो गाइज अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इन दोनों ही कैटेगरीज के लोगों को जानता हूं मतलब मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने एसबीआई पीओ ज्वाइन करा पूरा प्रोबेशन पीरियड सर्व करा और उसके बाद एसबीआई छोड़ के असिस्टेंट के लिए चले गए और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने असिस्टेंट ज्वाइन करा छह महीने का ट्रेनिंग पीरियड सर्व करा और उसके बाद परमानेंट होने के बाद या आईबीपीएसबीआई ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब करियर दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही जॉब बहुत ही बेहतरीन है सो इट इज जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपको सबसे बेस्ट सूट क्या करता है सो so इस आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे दो अलग अलग कैडर्स को कंपेयर कर रहे हैं मतलब यहां हम एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट से कंपेयर कर रहे हैं मतलब अगर इसको लिटरल टर्म से बात करूं सो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ और इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन पीस ऑफ माइंड और वाइब्रेंस और पीस ऑफ माइंड वर्सेस प्रोग्रेस और इसी वजह से आज के सेशन में हम प्रॉपर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन दो कैटर्स का टोटल पांच कैटेगरीज में उनमें से हमारी फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारी सैलरी और सैलरीज के साथ होंगे हमारे अलाउंसेस सेकंड कैटेगरी होगी हमारी प्रमोशन पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रमोशन पॉलिसी आपका आगे का करियर ग्रोथ थर्ड कैटेगरी होगी हमारी ट्रांसफर्स पॉलिसी कि भाई कितने ट्रांसफर्स होते हैं और कहां कहां होते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी फैमिली टाइम कि हम कितना फैमिली टाइम दे पाएंगे इन दोनों ही कैडर्स में अलग अलग और फिफ्थ कैटेगरी होगी हमारी वर्कलोड कि कितना वर्कलोड मिलेगा अगर हम आरबी असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे और कितना वर्कलोड मिलेगा अगर हम एस बी पीओ ज्वाइन करेंगे और फाइनली हमारी एक बोनस कैटेगरी होगी हमारी सिक्स कैटेगरी एंड दैट विल बी सम एक्स्ट्रा पॉइंट जिसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको एस पीओ के लिए है कि आपको आरबीआई असिस्टेंट के लिए जाना है सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड इस कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव फॉरवर्ड

आप अगर आरबी असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो सो so गाइज यहां आपको एक क्लियर कट डिफरेंस देखने को मिल गया बट ये हमने बात करी है अकेले आपकी सैलरी की अब अगर इसमें अलाउंस को भी जोड़ दें तो ये रहे आपके एग्जॉस्टिव सारे के सारे अलाउंसेस पेट्रोल न्यूज पेपर ब्रीफ फर्नीचर और फर्नीचर में भी फर्नीचर अलाउंस और मेंटेनेंस अलाउंस इसके साथ मोबाइल खरीदने के पैसे इसके साथ आपको लीज और बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस आपको मिलेंगे उसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने बनाई है और ये लिस्ट देख के आपको समझ आएगा कि ऑलमोस्ट बाय फार अलाउंसेस इन दोनों ही कैडर्स है जिसमें बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा चेंज होता है और उन थोड़े बहुत चेंज में एस बी आई पीओ आरबी असिस्टेंट से थोड़ा ज्यादा आगे निकल जाता है ठीक है तो अगर इस कंपैरिजन की बात करें और अपने राउंड वन की बात करें तो राउंड वन में हमारे एस बी आई पी ओ को मिलता है एक बहुत बड़ा टिक वहीं आरबी असिस्टेंट को हमको मिलता है एक बड़ा क्रॉस बिकॉज यहां पे एस बी आगे निकल गया बिकॉज सैलरी एस बी की बहुत बेहतरीन है वहीं RBI असिस्टेंट की सैलरी भी बहुत अच्छी है बट एस बी जितनी अच्छी नहीं है उतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव सैलरी नहीं है ठीक है कैटेगरी की तरफ चलते हैं वो है हमारी प्रमोशन पॉलिसी अब गई अगर प्रमोशन पॉलिसी की बात करें तो ये हैंड्स डाउन सबसे अच्छी सबसे बेहतरीन अमंग ऑल द की ही होगी इन इन यू गेट प्रमोशन एवरी टू अगर आप एस बी आई एस ए प्रोबेशन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर टू ईयर्स आपका एक एग्जिट एग्जाम होगा और अगर आप सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट उस एग्जिट एग्जाम में स्कोर करते हैं तो आपको डायरेक्टली प्रमोट करके ऑफिसर स्केल टू बना दिया जाएगा मतलब बाय द टाइम आपको दो साल भी नहीं होते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको फर्स्ट प्रमोशन भी मिल जाएगा और आप स्केल वन से स्केल टू बन जाएंगे परमानेंट होते ही वहीं अगर आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो यहां पे आपको फर्स्ट प्रमोशन लेते लेते अराउंड लगेंगे तीन से पांच साल और इन तीन से पांच साल के बाद आप बन जाएंगे ऑफिसर ग्रेड ए इन आरबीआई अब गाइस ऑफिसर ग्रेड ए बनने के बाद आप ऑफिसर कैडर में आ जाएंगे बट गाइस ज्यादा इश्यूज इसके बाद चालू होते हैं बिकॉज़ गाइस आरबीआई ग्रेड ए बनने के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा आरबीआई ग्रेड बी बट ये आप सबको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी आउटसाइड रिक्रूटमेंट भी करता है आरबीआई मतलब अलग से बाहर से रिक्रूटमेंट भी करता है सो ग्रेड ए से ग्रेड बी के लिए

वहीं आप अगर एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले दो साल में ही पहला प्रमोशन मिल जाएगा और उसके बाद हर दो से तीन साल में आपको एक प्रमोशन मिलता रहेगा मतलब प्रमोशन मिलता रहेगा इसके साथ साथ आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी होता रहेगा और सैलरी इंक्रीमेंट होता रहेगा इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका बढ़ता रहेगा और आपका सोसाइटी में स्ट्रैचर भी बढ़ता रहेगा तो इस कंपैरिजन के बाद हमें क्या समझ आया कि भाई एसबीआई बहुत आगे निकल गया अगर हम प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो मतलब प्रमोशन पॉलिसी एसबीआई की बाय की सबसे अच्छी है और सारी रेगुलेटरी बॉडीज में प्रमोशन कुछ स्लो होते हैं तो अगर राउंड टू की बात करें तो राउंड टू के बाद भी हमको एसबीआई पीओ को मिलता है एक बहुत बड़ा चेक वहीं आरबी असिस्टेंट को मिलता है एक छोटा सा क्रॉस ठीक है तो यहां तक हमारे राउंड टू की बात हो गई और एसबीआई हमारा चल रहा है टू जीरो से बहुत बेहतरीन आगे

वहीं दूसरी तरफ और भी लोग हैं जिनको नए नए कल्चर्स देखने में मजा आता है जिनको वाइब्रेंट लाइफ जीने में मजा आता है जिनको नए नए लोगों से बात करने में मजा आता है नई नई जगहों को घूमने में मजा आता है और उनको हमेशा ही ट्रांसफर्स में बहुत मजा आता है तो अगर मेरी बात करेंगे तो मैं दोनों को ही यहां पे हाफ हाफ मार्क्स दे सकता हूं बट यहां हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको सेटल डाउन होना है जिनको एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में सो तो अगर आप आप असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं हैं तो बाय द टाइम अपना नेक्स्ट प्रमोशन नहीं ले लेते हैं। तब तक आप अपने जोन में ही रहेंगे एंड मोस्टली आप उसी ऑफिस में रहेंगे जहां पे आप फर्स्टली रिक्रूट हुए हैं और आपकी जहां फर्स्ट पोस्टिंग है मतलब अगर आप अपने पूरे टेन्योर में कभी भी आरबीआई आरबीटेंट में प्रमोशन नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि मोस्टली आप उसी ऑफिस

भाई अगर स्टेबिलिटी पसंद है तो आरबीआई असिस्टेंट को दे दो एक बहुत बड़ा टिक और अगर वाइब्रेंस पसंद है प्रोग्रेस पसंद है तो एस पीओ को दे दो एक बहुत बड़ा टिक तो यहाँ मुझे पता है कि आप सब लोग यही चाहेंगे कि आप आरबीआई असिस्टेंट को भी एक पॉइंट मिलना चाहिए तो अपने राउंड थ्री के विनर की बात करें तो हमारा राउंड थ्री का विनर रहेगा आरबीआई असिस्टेंट को मिलेगा एक बहुत बड़ा चेक वहीं एस पीओ को मिलेगा एक बहुत बड़ा क्रॉस बिकॉज एस पीओ में मिलेंगे आपको ढेरों ट्रांसफर्स वहीं आरबीआई असिस्टेंट में आपको मिलेगी एक बहुत ही सेटल्ड बहुत ही सेटल बहुत ही स्टेबल ठीक तो यहां तक हो गए हमारे राउंड थ्री और हमारा एस बी आई पीओ आगे चल रहा है टू वन से ओके गाइज मूव करते हैं अपने फोर्थ फोर्थ कैटेगरी कैटेगरी की तरफ और हमारी सबसे बेहतरीन कैटेगरी है अभी तक और वो है हमारा फैमिली टाइम अब जब भी हमारा फर्स्ट जॉब लगता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि हम फैमिली के साथ यहां जाएंगे या या फैमिली फैमिली के के साथ ऐसे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे 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 वो बट करेंगे. हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमारा एक ही चीज चल रहा होता है कि हम फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे दे पाएंगे तो अगर आप यहां अब एज अ आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं आरबीआई को तो फैमिली टाइम आपको भर भर के मिलेगा बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट स्ट्रिक्टली एक जॉब है मतलब स्ट्रिक्टली नाइन टू फाइव जॉब है जहां आपको इन आठ घंटों के बाद कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रोकेगा इफ यू आर डन विद योर एट आवर्स यू कैन गो बैक होम एंड एंजॉय योर फैमिली टाइम अब गज मेरे कलीग हैं जिन्होंने एस बी आई पीओ छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करा था अब मैं आपको एक बहुत पेक्यूलियर बात बताऊं अगर उनके तो उनको इतना अच्छा टाइम मिलता है कि वो अब अपने फैमिली टाइम के साथ साथ अपने हॉबीज को भी परस्यू कर रहे हैं और वो अब उकेले बजाना सीख रहे हैं उकेले एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसको बजाना सीख रहे हैं और अब बहुत ही अच्छा बजाने भी लगे हैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम मिलता है उनको अपने फैमिली टाइम के साथ साथ अपने हॉबीज को परस्यू करने का भी तो अगर आरबी असिस्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो फैमिली टाइम भर भर के मिलने वाला है वहीं अगर आपको ऑफिसर ज्वाइन है आप करते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है उस ब्रांच की सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपके ऊपर रिलाई करा जाता है हर चीज के लिए आपके ऊपर रिलाई करा जाता है तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से कई

बिकॉज वर्क प्रेशर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करते हैं चीजों को आप कैसे आगे चलते हैं चीजों को लेके अगर आप सही से हैंडल कर पाते हैं प्रेशर को तो फैमिली टाइम आप कहीं ना कहीं निकाल सकेंगे एस बी आई पीओ में भी बट ऑल इन ऑल यहां पे बाय फार बहुत बड़े मार्जिन से आरबीआई असिस्टेंट जीत जाता है तो अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली टाइम है तो आरबीआई असिस्टेंट आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा तो मतलब आफ्टर राउंड फोर हमारा स्कोर क्या हो गया है आरबीआई असिस्टेंट को यहां एक और बड़ा टिक मिला है वही एस बी को यहां एक और बड़ा क्रॉस मिला है मतलब आफ्टर राउंड फोर हमारा स्कोर हो गया टू ऑल बहुत ही बेहतरीन कॉम्बैट चल रहा है यहां पे हमारा तो गाइस बात करते हैं द फिफ्थ कैटेगरी के बारे में और फिफ्थ कैटेगरी हमारा वर्कलोड

एलडीएम ऑफिसर ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं जिनको आपको रिप्लाईज़ करने होते हैं जिनको जिनको आप आंसरेबल होते हैं तो यहाँ आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है बट गाइज वर्कलोड और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है अब जैसे अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ कैसा है उस ब्रांच का इसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि आपका मैनेजर कैसा है आपकी ब्रांच का या आपके हेड्स कैसे हैं आपके रीजन के या आपके जोन के अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी मिलती हैं तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो एस बी में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं या आई बी पी में भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं वो अपने फैमिलीज को भी टाइम दे पाते हैं अपने हॉबीज को भी टाइम दे पाते हैं खुद को भी टाइम दे पाते हैं और सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं तो गाइज यहाँ पे अगर आरबी असिस्टेंट की बात करें तो आरबी असिस्टेंट में बहुत ही लिमिटेड वर्कलोड होता है आपके पास बिकॉज आपके वीकली या मंथली गोल्स सेट होते हैं एज ए असिस्टेंट तो आपको पता होता है कि आपको वीकली बेसिस पे क्या करना है आपको मंथली बेसिस पे क्या करना है आपको डेली बेसिस पे क्या करना है और उस चीज को आप डिवाइड करके अपने आर्ली बेसिस पे लेके आ सकते हैं तो इसका मतलब आपका वर्कलोड डिफाइंड होता है तो इसका मतलब आपका वर्कलोड लिमिटेड होता है और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आरबी असिस्टेंट बाय द टाइम आपको आठ घंटे खत्म होते हैं नाइन टू फाइव जॉब के बाद आरबी असिस्टेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकता है ठीक है वहीं अगर एसबीआई पीओ की बात एज ऑफिसर बात करें तो ऑब्वियसली लोड बहुत ज्यादा होता है बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करते करते कई बार ऐसा होता है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपने भी कई बार पढ़ा होगा चाहे कोरा पे या अलग अलग वेबसाइट पे भी कि भाई ऑफिसर्स पे बहुत ज्यादा लोड होता है या आपने बहुत गुस्से वाले बैंकर्स के कॉमेंट्स भी, भी देखे होंगे जो अपना फ्रस्ट्रेशन वहां निकाल रहे हैं अपना स्ट्रेस वहां निकाल रहे हैं सो कहीं ऐसी चीजें होती हैं बट ये ऐसी चीजें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं और अगर आपके लिए आपका स्टाफ अच्छा है आपका मैनेजर अच्छा है आपके हेड्स अच्छे हैं तो आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर वाला टाइम भी बहुत अच्छे से निकलेगा और उस टाइम में भी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे सो so गई अगर वर्क लोड की बात करें मतलब अपनी फिफ्थ कैटेगरी की बात करें तो आफ्टर राउंड फाइव हमारा स्कोर क्या है गईस हमारे आरबीआई असिस्टेंट को यहां एक और बहुत बड़ा टिक मिला है और यहां पे हमारा एस बी को एक बहुत छोटा सा क्रॉस मिला है बिकॉज वर्क लोड इज वेरी सब्जेक्टिव टू ईच एंड एवरी पर्सन आफ्टर राउंड फाइव हमारा स्कोर क्या हो गया भाई लगातार एक हैट्रिक मार चुका है लगातार पिछले तीन राउंड्स में और अब आरबी असिस्टेंट आगे निकल चुका है विद स्कोर ऑफ थ्री टू टू सो गाइस बात करते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी की हमारी एक्स्ट्रा कैटेगरी की बोनस कैटेगरी की ये है हमारे सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अब गाइस देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इसलिए डाला है बिकॉज मुझे पता है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब भी बहुत अच्छी है तो मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर को पीछे होता नहीं देख सकता सो so अगर मॉनेटरी बेसिस पे पे बात करें तो मॉनेटरी बेसिस आपको वो कई चीजें ऐसी हैं जो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मिलेंगी बट एज एजी आई असिस्टेंट नहीं मिलेंगी और वो मोस्टली चीजें आपके लोन से रिलेटेड रहेंगी जैसे अगर बात करें अगर आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्लीन ओडी मिलेगी ऑफ एट टू ट्वेल्व लैक्स मतलब आठ से बारह लाख की आपको क्लीन ओडी मिलेगी जिसको आप जब चाहे तब यूटिलाइज कर सकते हैं वहीं आपको असिस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा वहीं अगर लोन्स की बात करें तो आपको हाउसिंग लोन मिलेगा टिल टिक्स अगर आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हैं बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को वहीं अगर एज अ अरबी असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो वहां मिलेगा बस थर्टी लैक्स और वहीं अगर कार लोन की बात करते हैं तो यहां आपको मिलेगा टेन टू ट्वेल्व लैक्स और वहीं आरबी असिस्टेंट की बात करते हैं तो ये वाली कैटेगरी भी अभी तक आरबी असिस्टेंट में एड नहीं हुई है तो इसका मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें तो अगेन एसबीआई असिस्टेंट से आगे निकल गया इसके साथ साथ एक और पॉइंट ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी ऑफिसर कैडर की बात करता हूं तो और वो ऑफिसर कैडर की बात ही है कि यहां पे आपका कस्टमर डीलिंग जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगता है यही कस्टमर डीलिंग आपको बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्डअप करने में भी बहुत अच्छी मदद करता है गाइस आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं या बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी बनते हैं भाई ऐसा क्यों है बिकॉज उनका नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है कई वो कस्टमर डीलिंग जो कुछ लोगों को कर्स लगता है वो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा बूंद साबित होता है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं आफ्टर लीविंग दिस बैंकिंग इंडस्ट्री बिकॉज उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉग हो चुका होता है और वो हर इंडस्ट्री में हर कैटेगरी में बहुत अच्छे लोगों को जानते हैं बहुत सारे लोगों को जानते हैं तो यहाँ पे अगेन अगर आप एज ए एस बी आई पी ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ये और एक और प्लस पॉइंट है तो फाइनली अगर आप सिक्स राउंड के बाद की बात करें तो भाई फाइनली अगेन यहां पे एस बी आई पी को मिला एक बहुत बड़ा चेक और वहीं आरबीआई असिस्टेंट को मिला एक क्रॉस इसका मतलब क्या है छह राउंड के बाद हमारा स्कोर क्या है छह राउंड बाद हमारा स्कोर है यहाँ थ्री ऑल इसका मतलब क्या है भाई इसका मतलब क्या यह है कि आरबी असिस्टेंट बुरा है या इसका मतलब ये है हमारा एस पीओ बुरा है बुरा भाई कोई भी बंदा आंख बंद करके बता सकता है आरबीआई असिस्टेंट भी बहुत अच्छा है और एस पीओ भी बहुत अच्छा है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आप किन चीजों को पसंद करते हैं गाइज आप वाइब्रेंस पसंद करते हैं आप प्रोग्रेस पसंद करते हैं आप ग्रोथ पसंद करते हैं या आप एक स्टेबिलिटी पसंद करते हैं सेटल डाउन होना पसंद करते हैं अपनी लाइफ को लिमिट करना पसंद करते हैं बिकॉज अगर स्टेबिलिटी पसंद करते हैं तो आरबीआई असिस्टेंट आपके लिए है बट अगर ग्रोथ पसंद करते हैं तो हैंड्स डाउन एस बी पीओ से अच्छा आपको कुछ और नहीं मिल सकता बिकॉज गाइज जब एक प्लेन उड़ता है जब अपने ग्रोथ की तरफ होता है अपने इंक्लिनेशन की तरफ होता है तो जब ऊपर जाता है तो कई बार टर्बुलेंस भी आता है कई बार प्रॉब्लम भी आती बट वो सारी चीजें आपकी ग्रोथ का बहुत बड़ा पार्ट है बट जैसे ही आप स्टेबल हो जाते हैं तो आप एक ऑल्टीट्यूड पे चलते रहते हैं लगातार उसी ऑल्टीट्यूड पे आगे बढ़ते रहते हैं बट कभी ऊपर नहीं जा पाते और ये एक स्टेबिलिटी आपको आरबीआई असिस्टेंट में मिलेगी सो so गाइस इस सेशन के बाद हमें जरूर बताइए कि आपने क्या चूज करा आपने स्टेबिलिटी चूज करी या आपने वाइब्रेंस चूज करा और प्रोग्रेस चूज करा आपको आरबीआई असिस्टेंट पसंद आया या आपको एसबीआई पीओ पसंद आया डू लेटस नो और अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हुआ है तो उस पॉइंट को भी हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर और आगे आने वाले सेशंस में हम जरूर उन पॉइंट्स को भी कंसीडर करने के बारे में सोचेंगे सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन साइनिंग ऑफ माय नेम इज चिराग चोपड़ा